उग्र ग्रामीणों ने चैनपुर गुमला मुख्य सड़क को किया जाम। 6 डिग्री के कड़ाके के ठंड में रात भर राशन लेने के लिए लाइन में लगे ग्रामीणों का दर्द अब इतना बढ़ गया कि वह सड़क पर आकर सड़क जाम कर दिए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर लाइन में पीछे पहुंचे तो राशन खत्म हो जाता है, इसके बाद हमें राशन ही नहीं मिलता है। पेट की भूख मिटाने के लिए रात भर ठंड सहकर राशन डीलर के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं ताकि हमारी बारी जल्द आए और हमें राशन मिल सके। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, अभी त्योहार का समय है, ऐसे में राशन नहीं मिला तो हमारे परिवार क्या खाएगा। इसलिए इस कड़ाके की ठंड में रात भर राशन डीलर के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ा है। अब सवाल यह है कि इनका दर्द कौन सुनेगा। आखिर एक राशन डीलर इतना तानाशाह कैसे हो सकता है। तानाशाही का आलम तो यह है कि एक दिन में जितने लोग राशन ले लिए उतने लोगों को ही राशन मिलेगा, जो लेट हो गए उन्हें राशन नहीं मिलेगा। वहीं सभी कार्डधारी से पहले ही अंगूठा लगवा लिया जाता है। कहीं ऐसा कार्डधारी भी है जिन्हें 2 माह से भी राशन नहीं मिला है। राशन की चाह में इस कड़ाके की ठंड में रात भर लोग यहीं डटे हुए हैं। मेरा नाम जगेश्वर लोहरा है, बेंदोरा गांव है। काहे रात में आए हैं? इसलिए कि हम लोग को अगर लेट करेंगे तो चावल खत्म हो गया बोलता है, इसलिए हम लोग आते हैं। कौन बोलता है? डीलर बोलता है। और हमारे गांव में बहुत आदमी को नहीं मिला है, आज भी आया है शाम को। राशन हो नहीं भेटाला इतना दिन के उम्र अच्छी बोर और राशन पाछे खराब दिन ले भेटाबे निकले ले कुछ बिल्कुल नहीं देवे और उगवन से भी राशन झोंके ना और पाछे करे देवे निकले। कखन सही ही राशन उठाए? राशन तो हमें चाहिए कैले सही ही सांझ खान हम रही हूँ किरतो से। राशन पूरी पर्ची सब पूरा देवेला और राशन पूरा वितरण नहीं देवेला और 2 महीना के मिलबो नहीं कर मोरले।